हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो है जीके के क्वेश्चन से संबंधित। ये वीडियो है, देखिए, चाहे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस का हो, पटवारी का हो, या फिर ग्राम सचिव का हो, या HSSC के द्वारा कोई और एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं वो हो, या SSC के कोई भी एग्ज़ाम हो, हर प्रकार के एग्ज़ाम में जीके से संबंधित क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं पर आधारित है ये क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को पूरे को देखना, ये वीडियो इस वीडियो को पूरी को देखना, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकॉन का बटन भी अवश्य दबा लेना। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है। तो देखिए, जो संघ शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा आएगी मलयालम और इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई। तो देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना की गई 1885 में और इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग निम्न में से किस निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है। तो देखिए, जो निर्वाचन आयोग है यह है राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, इन सभी के लिए निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, मिताक्षरा किसकी रचना है। तो देखिए, जो मिताक्षरा है वह है विज्ञानेश्वर की रचना और इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो देखिए, जो कुल्लू घाटी है यह किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो आंसर आएगा इसमें धौलागिरी तथा पीर पंजाल के बीच और इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था। तो देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और उसमें जो नेता थे उसमें किसको नरम दल के रूप में नहीं जाना जाता था, तो वह था बाल गंगाधर तिलक और इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, लंदन स्थित ब्लैक हिथ स्टेडियम का संबंध किस खेल से है। तो देखिए, जो लंदन में स्थित है ब्लैक हिथ स्टेडियम, इसका संबंध है रग्बी फुटबॉल से और इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है। तो देखिए, जो निर्वाचन आयोग है इसका जो चेयरमैन होता है वह है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अरायन योमा कहाँ स्थित है। तो देखिए, जो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है अरायन योमा, वह स्थित है म्यांमार में और इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे। तो जो भारतीय संघ है इसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई। तो जो काव्यदर्श है ग्रंथ, इसकी रचना की गई दंडी के द्वारा और इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो देखिए, जो निर्वाचन आयोग है वह कौन से अनुच्छेद में है, तो आंसर आएगा इसमें अनुच्छेद 324 में और इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, डेविड बैकहम किस खेल से जुड़े हुए थे। तो देखिए, जो डेविड बैकहम है वह जुड़े हुए थे फुटबॉल के खेल से और इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो देखिए, जो रघुवंश महाकाव्य है उसके रचनाकार हैं कालिदास और इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था। तो देखिए, जो इल्बर्ट बिल विवाद था वह किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था, तो वह उभरा था रिपन के कार्यकाल में और इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सहनामा के लेखक कौन है। तो देखिए, सहनामा यह भी पुस्तक का नाम है और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है फिरदौसी और इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी क्या है या कहाँ पर है। तो नंदा देवी जो चोटी है यह क्या है, तो यह कुमाऊं हिमालय का एक भाग है और इसमें बी ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो देखिए, जो भारत की निर्वाचन पद्धति है वह ब्रिटेन की जो निर्वाचन पद्धति है उसके अनुरूप है, और इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जसपाल राणा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध रखते हैं? तो देखिए, जो जसपाल राणा है वह निशानेबाजी के खेल से संबंध रखते हैं, और इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एलमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नारगे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की? तो देखिए, उन्होंने सबसे पहले विजय प्राप्त की थी 1953 में, और इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो देखिए, जो तारकुंडे समिति है और गोस्वामी समिति है, इसका संबंध है चुनाव में अपराधी तत्वों की वृद्धि पर। नहीं, इसमें ए ऑप्शन सही है, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार पर। अगला क्वेश्चन है, एसटीपी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, जो एसटीपी है इसका पूरा नाम है सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो देखिए, इसमें आएगा जो काली तथा तीस्ता नदियां हैं इसके बीच हिमालय में का जो भाग स्थित है वह नेपाल हिमाय भाग स्थित है, और इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं? देखिए, जो भारतीय खिलाड़ी है गगन नारंग, ये संबंधित हैं एयर राइफल शूटिंग से, और इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो देखिए, वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो वह था दादा भाई नौरोजी, और इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो देखिए, जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है वह अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो वह सौंपता है राष्ट्रपति को, और इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, OPEC का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, जो OPEC है इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पंकज अडवाणी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, जो पंकज अडवाणी है इनका नाम बिलियर्ड से खेल से जुड़ा हुआ है, और इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस संसदीय समिति को प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो देखिए, जो लोक लेखा समिति है इसको प्राकलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के समसामयिक इतिहासकार कौन है? तो देखिए, जो 1857 के समसामयिक इतिहासकार हैं वह हैं मुंशी जीवनलाल, ये भी, और सैयद अहमद खां, ये भी, और मुइनुद्दीन ये भी, तो उपर्युक्त सभी, तो इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा, उपर्युक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। थैंक यू।